दो देसी कट्टे कारतूस के साथ तीन गिरफ्तार। मुंबई में हथियार बेचने वाले गिरोह को डिंडोसी पुलिस ने किया गिरफ्तार। मुंबई की डिंडोसी पुलिस ने तीन ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया है जो यूपी से गाजीपुर से हथियार लाकर मुंबई में बेचने का काम करते थे। आपको घटना की जानकारी दे दें कि 20 दिसंबर को डिंडोसी पुलिस में कार्यवाहक सहायक पुलिस उप निरीक्षक योगेश कनेकर एवं सहायक पुलिस निरीक्षक डिटेक्शन विजय यादव को खबर मिली कि कुछ लोग डिंडोसी पुलिस की हद में साझा होटल के पास हथियार लेकर आने वाले हैं जो बेचने के इरादे से आने वाले हैं। इस प्रकार की जानकारी मिलते ही डिंडोसी पुलिस के अधिकारी योगेंद्र कनेकर, विजय यादव व ऑफिसर पांडे के साथ अनडिटेक्टेड टीम ने मौके पर जाल बिछाकर तीन लोगों को हथियार के साथ गिरफ्तार कर लिया। उनके पास से दो देसी कट्टा और दो जिंदा कारतूस बरामद हुआ है। वहीं पुलिस द्वारा पूछताछ में पता चला कि आरोपी अक्सर यूपी गाजीपुर का रहने वाला है और वहां से हथियार लाकर मुंबई में बेचने का काम करता है। डिंडोसी पुलिस में दो हथियार बेचने वाले को पकड़ा गया, हथियार बंद के साथ। कहां से पकड़ा गया, कहां से जाने वाले, प्रोफाइल बताएं। डिंडोसी पुलिस स्टेशन में कल 19 तारीख को लगभग 7:30 के करीब करीब हमने ट्रैप लगा के दो व्यक्तियों को अरेस्ट किया है। जो ऑफिसर्स थे एपीआई जाधव और पीएसआई खानेरकर और पाटने, इन्होंने ट्रैप लगाया था लगभग 3-4 दिन से। वो उनको ये खबर मिली थी कि कुछ लोग जो है वो हथियार यहाँ पे बेचने की कोशिश करने वाले हैं। तो उसी खबर के तहत प्रमोद दशरथ चौहान 21 साल और संजय चौहान, सोनोने संजय चौहान 19 साल और रवि शंभू सोनकर 27 साल, इन तीनों को हमने अरेस्ट किया है। उनके पास से दो देसी कट्टे और दो जिंदा कारतूस हमने बरामद किए हैं। कहाँ से अरेस्ट किया, इनका प्रोफाइल कहाँ के रहने वाले? ये रानी सती मार्ग मालाडी से हमने उनको अरेस्ट किया था और ये रहने वाले जो है वो इधर राज्य के हैं, मुझे भी नहीं मालूम कहाँ।